नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र झा और स्वागत है आपका मिशन एमपीपीएससी वॉरियर में। आपको पता होगा कि जैसा कि हम सांख्यिकी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रादर्श के प्रकार हमारी लास्ट वीडियो थी, उसके बाद अब हम पार्ट ए पर मतलब संख्या और उसके प्रकार पर बात करेंगे। आपको जैसे पता होगा कि हमने हमारी कोचिंग का नाम जे सीरीज से चेंज करके मिशन एमपीपीएससी वॉरियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आप इसके विस्तार में और इसको लाइक और शेयर करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो हम आज का टॉपिक संख्या और उसके प्रकार पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, हमने आपके लिए मैथ को और आसान बनाने के लिए, आप तक मैथ को पीडीएफ पहुंचाने के लिए अब इसे वर्क किया है और शीघ्र ही आप तक ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपके लिए इस टाइप से पीडीएफ तैयार की गई है, पूरा मैथ का सिलेबस, जिसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना, सिर्फ आपको क्लास देखना है, पीडीएफ पढ़ना है और उसके बाद एक बार लेक्चर और देख लेना और आपका दो बार में मेंस का मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे आगे की ओर। हम पढ़ते हैं आज संख्या और उसके प्रकार। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं कि संख्या होती क्या है। तो संख्या वह गणितीय मान होता है या माप होता है जिसका उपयोग हम गिनने में करते हैं। आसान भाषा में कहें तो मतलब जैसे रुपया पैसा गिनते हैं, कोई भी चीज मापते हैं, तो मापन की सबसे छोटी इकाई जैसे संख्या बोला जा सकता है। ठीक है, तो वह गणितीय मान या माप जिसका उपयोग हम गिनने में करते हैं उसको हम संख्या बोलते हैं। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि संख्याएं मैथमेटिक्स में कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और 10 कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक ये संख्याएं चलती हैं, टोटल 10 हो जाती हैं। इसकी आगे संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या है, इनकी सहायता लेनी पड़ती है और जैसे जैसे इनको इनकी सहायता लेते जाएंगे वैसे वैसे संख्याएं आती जाएंगी। जैसे हमको 10 लिखना है तो 1 और 0 की सहायता से, 11 लिखना है 1 और 1 की सहायता से, 12 लिखना है 1 और 2 की सहायता से, ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। ठीक है, हम किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 लगा देते हैं तो उसका मान डबल हो जाता है। जैसे 10 गुना हो जाए, 2 × 0, 2 × 10, 10 बना देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 2 × 20 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि संख्याएं के प्रकार क्या होते हैं। संख्याओं के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, 2, जैसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, तो प्रकार कितने हो गए, 2। कौन कौन से हो गए, वास्तविक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और काल्पनिक, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। अब ये होती क्या है तो हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय का क्या होती हैं, समुच्चय होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या, रियल नंबर इंग्लिश में बोलेंगे, रियल नंबर क्या है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, उनका समुच्चय क्या होगा, समुच्चय को क्या बोलेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए, वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हम आगे विस्तार से बात करेंगे, परिमेय अपरिमेय के बारे में देख लेते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं काल्पनिक संख्याएं, एक प्रकार कौन सा, वास्तविक संख्याएं और दूसरा हो काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आप इस वाक्य से पता, इस शब्द से पता कर सकते हैं कि काल्पनिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, जो वास्तव में संभव ही नहीं है, मतलब इस जिनकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है उनको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं। जैसे जिनकी क्या है, कल्पना की जा सकती है, सिर्फ कल्पना संभव है। ठीक,
वास्तविक रियल में नहीं होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एक पहला ही चैप्टर था, उसमें था जैसे अंडर रूट के -3 या अंडर रूट 3i, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या है, इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तविक व्यवहारिक जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें इसके प्रकार वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब क्या वास्तविक संख्याओं के प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं इसके बाद। वास्तविक संख्याओं में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, 6th क्लास ही मैथमेटिक्स में आ जाता है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं, संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। इसके बाद आपने बहुत पॉपुलर सुनी होगी परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। एक और होती है परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। इस इन संख्याओं के बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा भी और कई संख्याएं होती हैं जिन्हें हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पैलोड्रम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, भाज्य अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, सैव अभाज्य, इन आदि के नाम से जानते हैं। इनका हम धीरे धीरे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या होती क्या है, ठीक। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसकी शुरुआत क्या होती है, एक से होती है। इसको एक से शुरू करेंगे और कहां तक चलेगी, अनंत तक, मतलब इसका कभी अंत नहीं हो, अनंत तक जाएगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या रियल नंबर, प्राकृत संख्या ये नेचुरल नंबर, ठीक। ये कहां से शुरू होगी, एक से शुरू होके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहां तक जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होगी, आपको याद रखना है, ठीक, एक से शुरू होगी। अब है दूसरा है पूर्ण संख्या, इसे संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये संख्या एक से शुरू हो रही थी जबकि पूर्ण संख्या कितने से शुरू होगी, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहाँ तक चलेगी, अनंत तक जाती है, ठीक है। इसका कभी अंत नहीं होगा, ये चलती जाएगी कहाँ से, जीरो से। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में उम्मीद है कि अंतर समझ आ गया होगा, इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्राकृत संख्या के और पूर्ण संख्या के बाद देखेंगे हम पूर्णांक। अब पूर्णांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। अब पूर्णांक होता क्या है, तो वह संख्याएं जिसे धनात्मक और ऋणात्मक संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है। अब इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक मानों के रूप में दर्शा सकते हैं, इसके आगे प्लस लगा सकते हैं। वैसे इसको प्लस ही माना जाता है जब उसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, तो ऐसी संख्याओं के बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अब इसमें एक और होता है पूर्णांक संख्या, दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। आप इसमें देख सकते होंगे कि इस साइड वाली जितनी भी संख्याएं ये कौन सी, ऋणात्मक, जिसे ऋणात्मक ऋण से प्रदर्शित करते हैं, जिसके आगे माइनस लगा होता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं,
पूर्णांक संख्या, ठीक है। और जिस ये जिसको प्लस से दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। इस टॉपिक में से सिर्फ 3 मार्कर ही बनेंगे, अगर 5 मार्कर या 11 मार्कर बना तो उसके पीछे 3-4 चीजें पूछ लेगा वो, जैसे परिमेय संख्या है, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, ऐसे 3-4 डेफिनेशन वो पूछ लेगा और आपको डेफिनेशन बताना है और उदाहरण के रूप में रख देना है। आपको जल्दी PDF उपलब्ध कराई जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी, सारी PDF बन चुकी हैं, सिर्फ 1-2 को छोड़कर अनुपात समानुपात वाली PDF रह गई है, इसलिए उसको भी जैसी कंप्लीट होगी आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। अब पूर्णांक के बाद देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। आपने 6th क्लास में ये भी पढ़ी होगी, शायद आपको याद हो कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती क्या है। तो नहीं हुए याद तो देख लीजिए कि परिमेय संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसे क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में दर्शाया जा सके, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्या है, कंडीशन होती है कि यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसमें कि परिमेय संख्या कौन सी होगी। जैसे सबसे पहला उदाहरण हम देख लेते हैं, 0/1 ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसमें बोला है कि Q का मान, मतलब नीचे इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, हर का मान क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपना मान जीरो नहीं है, अंश का वाले जीरो हो सकता है, तो ये हो गई 1/2, 3/5, तो जितने भी नंबर आपको आते हैं ऐसे इस टाइप से तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या है। अब एक होती है इसमें अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, इसमें क्या है, ऐसी संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए √3, √2, √3, √5, √2, √7, तो इस टाइप की जो संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद परिमेय हो गई संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई। एक और होती है परिमेय संख्या जो अभी पढ़ी थी, वो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये ऐसी संख्या जैसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक। अब इसके दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो जाएंगे, पहली कंडीशन जहाँ पर पी और क्यू के मान क्या हों, दोनों के मान कितने हों, नकारात्मक हों, मतलब नेगेटिव हों, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू मतलब धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या कि दोनों के पी और क्यू के मान हैं, मान क्या है, दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है, नेगेटिव हों, या तो दोनों, जैसे 1-2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है, तो ये धनात्मक ही आ जाएगी। और दूसरा जैसे 1+2, तो ये भी 1/2 ही है, प्लस वैसे लिखा जाता नहीं है, वो प्लस की मानी जाती है, तो 1/2, तो ये भी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम नेगेटिव
फर्मी संख्या। इसमें क्या होता है, पी और क्यू के मान, पी या क्यू के मान कितने होने चाहिए, इसमें से पी और क्यू के मान में से एक मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव, चाहे वो पी हो नेगेटिव, जैसे एक बटे दो इसमें, या तीन बटे पाँच या चार बटे पाँच, तो ये क्या हुई, नकारात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, जिसमें ये कोई नेगेटिव हो। ये हमारी यहाँ तक हमने समझ लिया है, कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई, इसके बाद की हम वीडियो आगे इसको कंप्लीट करेंगे और अन्य संख्याओं के प्रकार देखेंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज बेसिक उद्देश्य क्या था, आपसे लाइव जुड़ने का था, लेकिन जब यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन पड़ी तो उसमें पता चला कि 1000 सब्सक्राइबर आपके, 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, तभी आप लाइव जुड़ सकते हो। हम इसकी लाइव क्लासेस चलाने वाले थे मैथमेटिक्स की, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा सौभाग्यशाली हम नहीं थे कि हम इसको चला सकें। तो जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपसे ऑनलाइन जुड़ेंगे, ठीक है। तब तक ऐसे ही आप जुड़ते रहिए, मिलते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।